हेलो आदरणीय नरेंद्र भैया, अगर चाय की व्यवस्था हो तो एक चक्र चाय राय का और हो जाए। हेलो 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 बहुत सुंदर गीत अभी आपने श्रद्धांजलि के रूप में और साधारण गीतों के रूप में श्रवण किए हैं। सर्वप्रथम मैं मंचासीन सभी कलाकार बंधुओं का मंच की ओर से सम्मान कर रहा हूं। सम्मानी विश्वकर्मा जी, दीक्षित जी, बाबूलाल जी, भाई मंचला जी, सचदेवा जी, नीलम जी, जितने भी कलाकार हैं सभी का मेरी ओर से सम्मान है। और खास तौर से रविकर जी, जिनके माध्यम से ये अवसर मिला है। और जो लोग पीछे बैठे हैं, क्योंकि आखिरी समय है, आप लोगों से भी सम्मान करते हुए निवेदन कर रहा हूं कि आगे आ जाएं। और आध घंटे का, एक घंटे का समय है आप लोगों के बीच में, बहुत समय दिया है आपने, इसलिए अब आगे आ जाएं। जय हो, आइए भाई। हेलो 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 हेलो, इसका बीस काट दे, प्रबल डाल दो, प्रबल डाल दो। सुमारी अरिहंत को सुसिद्धन लहु मनाए, महावीर प्रभु आपके सुचरण शीश झुकाए। प्रेम से बोलिए महावीर स्वामी की जय। आराम से बोलिए। सवेरा हो गया है सबके गाते गाते, वाह, सब राग रंग में डूबे रहे। सचदेवा भैया, सिमटने लगी काली चादर निशा की, वाह क्या बात है, सितारों की बारात जाने लगी है। उठो सोने वालों के सूरज की लाली पूरब दिशा को सजाने लगी है। बजा शंख मंदिर मार मस्जिदों से, अजानों की आवाज आने लगी है। उगाती प्रभाति भांति भांति माँ यशोदा, अरे अपने किशन को जगाने लगी है। ढोलक के बाग दोनों बंद है,
देख लीजिए भाई साहब। हेलो, खोलो इसको। ढोलक के बंद हैं, मैन माइक भी बहुत कम बोल रहा है। हुका थोड़ी देर के लिए और बना दीजिए आप। क्या हुआ? हेलो, बेस देख लीजिए, दोनों बंद हैं। देखो इसका, देख लीजिए भाई साहब। मैं सुबह का टाइम है, चूंकि श्रद्धांजलि के नाम से ही हम कलाकारों को ये मौका मिला है, तो कुछ पंक्तियां समर्पित हैं श्रद्धांजलि के रूप में। क्या हो? क्या बात? और बहुत साधारण धुन, दादा तो कहते थे बहुत साधारण धुन है, लेकिन धुन साधारण नहीं थी। बहुत अच्छा गीत दादा ने दिया था। अब तो माँ बाप को भी घर से भगा देते हैं लोग। सचदेवा जी, कभी लोग सोचते थे अपनी नीयत को कितना नीचे गिरा लेते हैं लोग, अपनी नीयत को कितना नीचे गिरा लेते हैं लोग। अरे अब तो मंदिर से भी प्रतिमाएं चुरा लेते हैं लोग। क्या बात, स्वस्थ रहो, बहुत बढ़िया। ये आदमी है, अपनी नीयत से क्या क्या आलम रचा लेते हैं लोग। जय हो, जय हो, जय हो। अपनी नीयत से क्या क्या आलम रचा लेते हैं लोग, आदमी को भी औरत बना के नचा लेते नहीं है। केवल मुझे जो खटक रही है वो मुझे कहना पड़ रहा है। क्या बात, एक गीत बजा। कौन सा? अरे तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। मैं आपको बता दूं कि मेरे बाद कोई अनाउंस जो कर रहे हैं वो अनाउंस नहीं करेंगे, और मेरे बाद अपनी प्रस्तुति लेके आएंगे लालचंद्र जी दीक्षित। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसके बाद जो फुटकर मसाला होगा उसको निपटाएंगे, लेकिन आप पहले आ जाइए। सचदेवा जी, एक सत्य जो मुझे कहना पड़ रहा है, आज मैं मंच पर रहा जवाबी सुनने के लिए, और कई कहानियां मैंने ऐसी सुनी जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुनी। क्या बात, सत्य बात है। आदमी गीत को इधर उधर खिसकाने के लिए कहानियों में अपनी तरफ से भी जोड़ता है, जो तुलसीदास जी ने छोड़ दिया उसको भी जोड़ने लगा। क्या बात है, क्या बात है, ये गलत बात है। और जब आप लोग सब देख रहे थे दोनों कलाकार कि यहाँ और भी लोग कीर्तन वाले बैठे हैं, तब आपको ध्यान करना चाहिए। हालांकि मैं जानता हूं उसकी मजबूरी का कारण, जब अभी यहां आजकल जवाबी गाय की प्रथमी है। क्या बात, ये सत्य है नरेंद्र भैया, सत्य है। आजकल जवाबी, पहले गाना बजाना लिखना सब महत्वपूर्ण था, लेकिन आजकल जवाबी गाय की प्रथमी है। बरना जवाबी में लेखकों की कमी है। क्या बात है, क्या बात है, जय हो। अगर कहीं झूठ हो तो मैं कान पकड़ लूंगा। जय हो, क्योंकि कानपुर मंडी में भी इस समय कोई लिखने वाला नहीं है। थे लोग संतोष राय जैसे कलाकार, जब गाते थे गोरी गोरी गोरियां वो मिथिला की किशोरियां, किए कमल नयनों की कटोरियां। क्या बात, थे लिखने वाले। इसीलिए कहना पड़ा,
कमी है, इसीलिए आजकल जवाबी गाए की पे आजकल जवाबी गाए की पे है, आजकल जवाबी गाए की पे है। हम लोग जब गाते थे सत्य मानिए सवा रुपया एक नारियल विदाई में मिलता था। हेलो, लेकिन आजकल अब कीर्तन में तन मन ना धन है, दो चीजें नहीं है। अब कीर्तन में तन मन ना धन है, यहाँ धन कमाने का ये बना साधन है। गा गए मैया दीन चंचल जी, चले गए स्वर्ग के राजा हो गए, लेकिन किसी से विदाई की बात नहीं। क्या दोगे महाराज, नवागढ़ में आना है, पहुंच गए। कोई साइकिल से जा रहा, कोई पैदल जा रहा, क्योंकि उस समय धन की तमन्ना नहीं थी। एक महीने दो महीने में नारियल नीलाम करते थे, बोले कितने हो गए, बोले हमारे मंडल के 59 नारियल हो गए। 59 नारियल हो गए, लेकिन आज 16 से कम नहीं पड़ेगा। महंगाई बहुत है, काफी आई बदल गया। ढोलक बाधक 15 से लेता है। एक नहीं अब तक कमी ही कमी है, एक नहीं अब तक कमी ही कमी है, ऐसी कीर्तन ना दादा हमको जनी है, ऐसी कीर्तन ना ऐसी जवाबी दादा हमें ना जमी है, ऐसी जवाबी दादा हमें ना जमी है, ऐसी जवाबी दादा हमें ना जमी है। ये जवाबी भी कैसी, अरे मिल करके खेलें दोनों जैसे खेलते रमी है। समझते रहिए, हम रंग डाल लेंगे, तुम इक्का डाल देना। ओ खेलते हैं मिलकर जैसे खेले रमी है, तो आजकल जवाबी में बस यही कमी है, आजकल जवाबी में बस यही कमी है, आजकल जवाबी में बस यही कमी है। बड़े भैया जमने दो भैया, जिसकी जैसी जमी है, आपका जमने दो भैया, जिसकी जैसी जमी है, ये मत देखो किसमें कौन सी कमी है, ये मत देखो किसमें कौन सी कमी है, ये मत देखो किसमें कौन सी कमी है। सम्मानीय राजकुमार जी विश्वकर्मा सुंदरकांड समिति, आपके कर कमलों से 201 पत्र मुद्राए हैं, और बाबूलाल जी ने सही कहा है, ये मत देखो। लेकिन भैया कि आज का जवाबी जो ऊपर से लख दे,
आइए। आज का जवाब जो ऊपर से लिखते तो दादा हरि कृष्ण कितने भी लिखते, अरे आंखों में आई दादा उनके नमी है, ऐसा तीर ऐसी तीर तन ना दादा हमको जमी है, ऐसी तीर तन ना दादा हमें जो जमी है, ऐसी तीर तन ना दादा हमें जो जमी है। दादा 201 पद मुद्राएं आदरणीय दादा नरेंद्र भैया की ओर से हैं और सचदेवा जी कुछ कह रहे हैं, क्योंकि दादा हमारे कह रहे हैं हम इनकी बात से सहमत हैं, क्योंकि अब तो जवाबी में बची गर्मा गर्मी है, अब प्यार से जवाबी होती कहा, अरे अब तो जवाबी में बची गर्मा गर्मी है, हमें भी जवाबी ऐसी कभी ना जमी है, लगता है अमित एक शब्द बोल रहे हैं, काहे पीछे रहो, शुद्ध भावना है नहीं, शुद्ध भावना है नहीं, भावना भमी है, समझिए जवाबी कीर्तन में जो दादा पर पूजनीय गुरुवर दादा हरि कृष्ण जी थे, दादा जवाहर जी जैसे महान कलाकार हो गए हैं, अब वो भावनाएं नहीं है कीर्तन में, अरे अरे अब तो अरे जवाबी में अब तो देखो भावना भमी है, और भावना को चलते हमने, भावना को देखो हमने, बस यही कमी है, अरे अब तो जवाबी में भावना भमी है, अब तो जवाबी में भावना भमी है, अब तो जवाबी में भावना भमी है, अरे मिली कर के गाते क्या बात है, बातें हो गरम ऐसे कलाकारों का बचा क्या धर्म, क्या बात है, क्या बात है, तो इसलिए अरे मार्ग बताने को, अरे मार्ग दिखाने को बड़े भी हम ही हैं, अगर राह नहीं दिखाएंगे तो भटक जाएंगे लोग, इसलिए कहना अरे रास्ता दिखाने को बड़े भी हम ही हैं, ऐसी जवाबी भैया ऐसी जवाबी बेटा हमें लाजमी, ऐसी जवाबी अल्लाह हमें लाजमी है, ऐसी जवाबी पहले का जमाना कुछ और था, आज का जमाना कुछ और है, बदल गया है, ये पहले कीर्तन, हेलो अरे खोल दो भाई साहब, जब बड़ों बड़ों में ही तो आपस में ठनी है, जब ऐसी जवाबी हमको भी ना जमी है, धनी है ना वैसे नवागढ़ ये बस्ती बनी है,
विषय भटक रहे हैं, विषय को छोड़ रहे दादा। पहले का जमाना कुछ और था, आज का जमाना कीर्तन बदल गया है। पहले कीर्तन में कीर्तनकार आपस में कि आपस में मिलते हंसते हंसाते और एक दूसरे को थे गले से लगाते, कि आज ऐसे जाते जैसे हुई कुछ गमी है, आज ऐसे जाते जैसे हुई कुछ गमी है। ऐसी कीर्तन ना दादा हमको जमी है, ऐसी कीर्तन ना दादा हमें तो जमी है, ऐसी कीर्तन ना दादा हमें तो जमी है। अरे जिससे मिले हो उसकी करें बात, बोले हम लगे हैं तो गुड़िया को लगा लो मजा आ जाएगा। यही तो बात है, बोले हम लगे हैं राखी को लगा लो, अपना गुट ढूंढते हैं, अपनी अपनी सेटिंग है। जिससे मिले हो उसकी करें बात, और विरोधी जब आए तो खड़े करते हाथ, बोले हमारी डेट खाली नहीं है सर, किसी और को फोन लगा लो, हम बुक हैं। और जो कलाकार नियत वाले थे, नियत वाले फनकारों की हो गई गमी है, क्या बात है वो संसार में नहीं रहे, उन्हें कुछ मतलब नहीं रहता, मंच पर केवल मुलाकात होगी, नीचे कोई बात नहीं हो। तो कहना क्या, नियत वाले फनकारों की हो गई गमी है। तो आजकल जवाबी में बस यही गमी है, आजकल जवाबी में बस यही गमी है, आजकल जवाबी बात जो कही पप्पू ने, क्या बात है, हमारे देवेंद्र भैया ने जो बात कही है, आपकी कमी और बड़े बड़े लड़ रहे हैं, एक कहावत है कि साढ़ साढ़ लड़े बछेरुअन के पांव टूटे। तो बात जो कही पप्पू ने वो बात लाजमी है, बात जो कही पप्पू ने बात लाजमी जवाबी, ये आज कल की हमें ना जमी, जवाबी ये आज कल की हमें ना जमी है, जवाबी ये आज कल की हमें ना जमी है। बहुत सुंदर। अरे चाहता हूँ फिर से जवाबी वो आए, चाहता हूँ फिर से जवाबी वो आए, अरे चाहता हूँ फिर से जवाबी वो आए, निष्पक्ष क्या बात है, बिन भेदभाव के हर कलाकार गाए। अरे सोच है भिन्न लेकिन वही आदमी, सोच अलग अलग लेकिन आदमी तो वही है, बिल्कुल। तो आज कल जवाबी ना हमें ये जमी है। भैया लालचंद को आना है अपनी प्रस्तुति लेके, कहां जाल में फंस गए, हम तो कहते हैं अरे कसम खा के कहते ना खराबी करेंगे, अब शेर बन कर हम सब जवाबी करेंगे, अब शेर बन कर हम सब जवाबी करेंगे, अब शेर बन कर हम सब जवाबी करेंगे। प्रेम से बोलिए महावीर।
श्री स्वामी की जय, आदिनाथ भगवान की जय, सारसनाथ भगवान की जय, महावीर स्वामी की जय। लीजिए और अपनी प्रस्तुति लेकर के मेरा छोटा भाई लालचंद्र दीक्षित आपके सामने है। लालचंद्र दीक्षित